NARDA अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है संतोष, आपने पहले भी इस पर राय दी है। एक बार 125 के आसपास टॉप बनाया, फिर मौका दिया, 110 तक चला गया, 108 तक चला गया। आज न्यूज आई है 2000 करोड़ ग्रीन बॉन्ड्स में रेज करेंगे ये। ये किस लेवल्स पर री एंटर करने जैसा है? जी, इसको जब ये 75-80 रुपीज़ के आसपास था तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रिपल डिजिट में जाने का पोटेंशियल रखता है। अभी भी एक वर्टिकल रैली के बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ जाता है, बट व्यू अभी भी बुलिश है। थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा ये आपका 125 से 100 रुपीज़ के बीच में, और थोड़ा मुझे लगता है कुछ समय स्पेंड करने के बाद जब ये 125 का लेवल निकालेगा तो फिर शायद 150 के लेवल भी दिखा सकता है। तो जितना क्लोजर टू 100 रुपीज़ के आसपास मिले आपके लिए एक री एंट्री का मौका रहेगा। ठीक है, जितना वैसे वो जो प्रोवर्ब है, आई थिंक समटाइम नथिंग हैपेंस इन डिकेड्स एंड समटाइम डिकेड्स हैपन इन अ वीक और सो, एक मंथ में डिकेड जैसा रिटर्न ने दे ही दिया पहले एक्चुअली। चला, उसके बाद पीएफसी आरईसी सस्ते लगने लगे हाँ तो ये रुका, वो चलने लगे, वो पहले ही हाँ चल रहे थे। तो ये तीनों आरईसी, पीएफसी और इरेडा हाँ अपने आप में केस स्टडी बन गए हैं। एब्सोल्युटली, डबल पैसा सिर्फ 2 हफ्तों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। कल इनफैक्ट हमने देखा कंजम्पशन हैवी वेट्स जो हैं उनमें अच्छी मूव थी। आप नेस्ले जैसे काउंट उसको देखें, ब्रिटानिया जैसे काउंट, कंजम्पशन हैवी वेट्स चल रहे थे, 2 दिन से ही उनमें मूव आने शुरू हो गई थी। नेस्ले तो 4.5% की तेजी के साथ, टाटा कंज्यूमर में 2% की तेजी, एचयूएल में भी 1% की तेजी थी। इन सब स्पेस में क्या थोड़ा मोमेंटम, आप क्योंकि बाजार आज फिर से एक अग्रेशन में दिख रहा है, क्या दूसरे स्टॉक्स अगर आते हैं डिफेंसिव पीछे हो सकता है या फिर इन स्टॉक्स में अभी भी मौका बना रहेगा? आयुष, एक बार हैवी वेट्स को चेक करेंगे आप ये एफएमसीजी के? मैं अभी सारे चार्ट देख रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी काफी अच्छी क्लोजिंग दी है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। इसका 200 डे मूविंग एवरेज 2050 के आसपास था, 2560 क्लोजिंग है। इसमें जो फर्स्ट लेवल बन के आ रहा है वो 2640 का बन के आ रहा है, इसका काफी अच्छा ब्रेकआउट है। सेकंड स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ वो है डाबर। अगर हम डाबर की बात करें तो डाबर में डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस इसमें भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, जो मुझे लगता है स्टॉक को आने वाले टाइम पे 560 तक फर्स्ट में जो लेवल बन जाएगा वो है, फॉलोड बाय 572।